पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि 3 दिसंबर को कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के जल्द ही पार्टी में शामिल होने की उम्मीद जताई है। उम्मीदवारों के नाम पर लगातार मंथन के बाद कांग्रेस अब दिसंबर में अपनी लिस्ट का ऐलान करने जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 3 दिसंबर को कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। इससे पहले पिछले हफ्ते पंजाब कांग्रेस की चुनाव कमेटी ने तकरीबन 300 नाम शॉर्टलिस्ट तैयार करके उम्मीदवार के नाम तय करने के सारे अधिकार सोनिया गांधी को सौंप दिए। टिकटों को लेकर कांग्रेस कहीं न कहीं पशोपेश में नजर आ रही है। अकाली दल और पार्टियों से आए नेताओं को टिकट देने को लेकर कांग्रेस का एक गुट पहले ही एतराज जाहिर कर चुका है। खास करके अकाली दल के पूर्व मंत्री सरवन सिंह फिलौर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद दूसरी पार्टी से आए नेताओं के खिलाफ सुर और बुलंद हो गए हैं। दिल्ली में चुनाव कमेटी के सारे मेंबर स्क्रीनिंग कमेटी के सामने इस पर अपना पक्ष रख चुके हैं, जिसका नतीजा अकाली दल के एक और विधायक अविनाश चंद्र पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है, पर कैप्टन ने इसका फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। उधर नवजोत कौर सिद्धू और प्रगट सिंह 28 नवंबर को कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, पर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार। कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू के पार्टी में जल्द शामिल होने की उम्मीद जता रहे हैं। वेलकम करांगे जेड़े साडे नाल होना चाहुंदे ने, मोर देन वेलकम ने, और मैनू खुशी होएगी अगर सिद्धू साहब जो आज बॉम्बे च ने अगर वो रहाए एंड कांग्रेस दे विच शामिल होए, सानू बहुत खुशी होएगी। जिन्नी सभा सीट अमृतसर तो लड़नगे जी, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੜੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का फैसला करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस में शामिल होने जा रहे नवजोत कौर सिद्धू और प्रगट सिंह किसी भी सूरत में अपनी सीट ना बदलने पर अड़ गए हैं। उधर इन सीटों पर पहले से काम कर रहे उम्मीदवारों को कांग्रेस कैसे मनाएगी? सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शंभू बॉर्डर से 2 दिवसीय रोड शो की शुरुआत की। आज इस रोड शो का आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि रोड शो के जरिए कैप्टन जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सिंधू जल समझौते पर दिए गए बयान को कैप्टन ने सियासी स्टंट करार दिया है। हरियाणा और पंजाब की सरहद पर शंभू बॉर्डर से शुरू हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह का रोड शो। कैप्टन ने 2 दिन के रोड शो की शुरुआत के पहले दिन बड़ी एकत्रता कर अपनी सियासी ताकत दिखाई। इलेक्शन बस में सवार कैप्टन के इर्द गिर्द गाड़ियों का काफिला और सड़क के दोनों तरफ कांग्रेस के झंडे लेकर खड़े कांग्रेस के वर्कर। कैप्टन का यह रोड शो पटियाला पहुंचने के बाद रविवार को धूरी और संगरूर के लिए रवाना होगा। इस रोड शो का मकसद SYL और किसानों के मुद्दे पर जनता के साथ अपना पक्ष रखना है। यही हल्का है राजपुरा कनौर और बनूर जिथे थले दा पानी नहीं है, इथे दा पानी दा बड़ा मेजर इशू है। सो यस, यही है। उधर बठिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सिंधु जल संधि पर दिए बयान को कैप्टन ने सियासी स्टंट करार दिया है। कैप्टन ने कहा कि इस समझौते को वर्ल्ड बैंक की मंजूरी मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर ने प्रधानमंत्री की तरफ से SYL के मुद्दे पर कोई बयान न देने पर सवाल खड़े किए। कहने की बातें हैं, जब करेंगे तो देखेंगे। इंटरनेशनल ट्रीटी को कैसे वायलेट करेंगे? इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960 थ्रू द वर्ल्ड बैंक, एंड हाउ डज ही थिंक ही इज गोइंग टू डू इट? कहने की बात है सिर्फ इलेक्शन के लिए। अगर उनको कोई असली बात करनी थी वो SYL की बात करते, उसके अलावा कोई बोले नहीं हूँ। छोटी छोटी रैलियों के बाद नेता अब रोड शो के जरिए ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन का रोड शो ही कांग्रेस की प्रचार की इसी कड़ी का हिस्सा है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, राजपुर। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नोटबंदी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं, तो दूसरी तरफ सूबे के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि लोग प्रधानमंत्री के फैसले से खुश हैं। पांच सौ और हजार के पुराने नोट बंद करने के फैसले पर विपक्ष खूब हाय तौबा मचा रहा है, जबकि आम जनता तमाम दिक्कतों के बावजूद प्रधानमंत्री के फैसले के साथ खड़ी दिख रही है। इसी कड़ी में पंजाब के डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल ने भी विपक्ष को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि आम जनता नोटबंदी के चलते भविष्य में होने वाले फायदों से वाकिफ है। सुखबीर सिंह बादल के मुताबिक जिनके पास काला धन है वही विरोध पर उतारू है, जबकि आम आदमी लाइन में लगकर देश हित में योगदान दे रहा है। हालांकि उनके दावे के उलट
कैप्टन अमरिंदर सिंह इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि लक्ष्य कोई भी हो, दिक्कत गरीब लोगों को हो रही है। आज जो पोजीशन है वो है, इतने एंटी हैं लोग ऑन दिस डीमोनेटाइजेशन इशू। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो मर्जी हो, लेकिन जो आज लोग नीचे ऑन द ग्राउंड लेवल पे फेस कर रहे हैं, ब्लैक मनी जिदे कोल है वो ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गरीब गरीब लाइन च लग्या पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। उन्होंने पता है, गरीब नु पता है कि आ थोड़ी जी तकलीफ, जे तुसी बीमार हो इंजेक्शन थोड़ा लगूगा, दर्द होगी पर इलाज हो जाऊगा। दिल्ली में कांग्रेस खुलकर नोट बैन के फैसले की खिलाफत कर रही है, जबकि हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह नोट बैन के फैसले की सराहना कर चुके हैं। लुधियाना से तपन मल्होत्रा के साथ पुनीत परिंजा, ब्यूरो रिपोर्ट।